सरकार भले ही पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं कर पा रही हो, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने एक ऐसा उपाय बताया है जिससे पेट्रोल डीजल महज 35 से 40 रुपए लीटर में बिक सकेगा। बाबा रामदेव ने इसके लिए सरकार से इजाजत भी मांगी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि सरकार अगर उन्हें इजाजत दे तो वो 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल बेच सकते हैं। बाबा रामदेव ने महज 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने का दावा करते हुए मांग की है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी टैक्स स्लैब के न्यूनतम दर यानी 5% पर शामिल किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा कि मौजूदा समय में पेट्रोल डीजल की कीमत आम आदमी की जेब को खाली करने का काम कर रही है। एक चैनल के कार्यक्रम के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने से सरकार के राजस्व में नुकसान हो रहा है तो वह इसकी भरपाई देश में अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाकर कर सकती है। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को काबू करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा रही। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 82 रुपए के पार जा चुके हैं तो वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 90 रुपए तक पहुंच चुके हैं। वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।